कहना कि मोदी जी की सेना, ये बिल्कुल ही गलत है। ऐसे कांग्रेस के पास कुछ कहने लायक है नहीं, तो जो बीजेपी करती है उसी में गलतियां ढूंढने की करते हैं, प्रयास करते हैं, लेकिन उनके पास खुद का कहने का ऐसा ना तो उनके पास कोई चेहरा है अच्छा सा, और ना ही उनके पास कोई ठोस मुद्दा है जो उठाए अपने चुनाव के लिए। मोदी जी जो हैं वो सेना के जो पराक्रम है उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। उनको पता है कि मोदी जी आने वाले हैं, तो इसलिए उनको दिल में जो आएगा वो कहेंगे। नमस्कार, वीके न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं शिवम मिश्रा। जैसे जैसे चुनाव की तारीखें पास आती जा रही हैं, वैसे वैसे चुनावी भाषण भी अपना रंग पकड़ते जा रहे हैं। कहीं जहां पीएम मोदी पहुंचते हैं, जहां भी अब पीएम मोदी जा रहे हैं, अपने भाषण दे रहे हैं, वहां वो सेना और सेना द्वारा किए गए एयर स्ट्राइक की बात ज़रूर करते हैं, तो वहीं सेना को लेकर के अलग अलग बयान आने भी शुरू हो गए हैं। विपक्ष जहाँ एक तरफ सेना द्वारा की गई एयर स्ट्राइक पर बार बार सवाल उठा रहा है और कह रहा है कि ये स्ट्राइक नहीं हुई है या झूठी है, तो वहीं बीजेपी के कुछ नेता भारतीय सेना को मोदी जी की सेना बता रहे हैं। आज हम मौजूद हैं लाडोसराय के इलाके में और यहाँ पे लोगों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि वो आखिरकार क्या सोचते हैं, ये जो सेना पे बयानबाजी हो रही है चुनाव से पहले वो सही है या गलत। आइए जानते हैं उन्हीं से उनका नज़रिया सेना पे हो रही बयानबाजी के बारे में। देखिए, ये तो आरोप थोड़ा बहुत सच है कि वो मोदी जी जो हैं वो सेना के जो पराक्रम है उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये सही भी है क्योंकि जब वो विपक्ष में थे तो उन जो सत्ता में थे जब उन्होंने तो कुछ नहीं किया। जब 26/11 हुआ था तो इन्होंने किया है अपने दम पे, वो तो एडवांटेज तो ऑब्वियसली लेना चाहिए। नहीं, ये तो गलत बात है क्योंकि मोदी जी की सेना नहीं है, हम सब इंडियन है, वो हमारी सेना है। मोदी जी भी तो अभी हैं, कल नहीं रहेंगे, उसके बाद कोई और सत्ता में आएगा, कोई और प्रधानमंत्री बनेगा, तो वो तो कह नहीं सकते कि ये मेरी सेना है। ऐसे कांग्रेस के पास कुछ कहने लायक है नहीं, तो जो बीजेपी करती है उसी में गलतियां ढूंढने की करते हैं, प्रयास करते हैं, लेकिन उनके पास खुद का कहने का ऐसा ना तो उनके पास कोई चेहरा है अच्छा सा, और ना ही उनके पास कोई ठोस मुद्दा है जो उठाए अपने चुनाव के लिए, तो बस इसीलिए बीजेपी के ही काम जो अच्छे काम है उनमें बुराइयाँ ढूंढते रहते हैं। और बीजेपी के जो नेता राजनीतिक मंचों पर और अलग अलग सभाओं में सेना के नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं, सेना के जो शौर्य है, पराक्रम है, उन्होंने जो सेना ने जो कार्रवाइयाँ की उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, इसे आप कैसे देखते हैं? ऐसे कहना तो ठीक है कि मैंने करवाया है, ये अच्छा भी है क्योंकि आज तक कांग्रेस ने ऐसा कुछ कराया नहीं है, लेकिन चुनाव में इसका इस्तेमाल करना ये कहीं ठीक नहीं लगता है। जोड़ के बताते हैं सर कि पहले कभी भी आपने देखा है हमारे यहाँ जो हमारा अभी ये कैप्टन गया था वहाँ पर, जो पकड़ा गया था पाकिस्तान में, कभी काफ़ी लंबे टाइम से हमारे अब भी 50-60-70 आदमी बताते हैं पाकिस्तान की जेल में हैं, और 51 घंटे में जो ये आदमी वापसी हमारा जो कैप्टन आया है, पायलट जो वापसी आया है, दूसरे विदेश मुल्कों का जो ऊपर से दबाव पड़ा है पाकिस्तान पे कि आप उसको दे दो वरना दिक्कत होगी आपके, ये चीज़ सारी मोदी जी ने 4 साल में की है कि दूसरे मुल्कों से जाके दूसरे देशों से मिल के अपने संबंध बनाए अच्छे, और उन्होंने फिर उसमें दबाव दिया, इसीलिए हमारा मतलब जो पायलट जल्दी आया, सीधी सी चीज़ है। वरना आज से पहले कभी कोई आदमी हमारा इतने जल्दी कोई मतलब ही नहीं था, अगर कांग्रेस की सरकार होती और हमारा पायलट छुटका आ जाता, बिल्कुल नहीं आता, ये हमारा अनुमान है। और 4 सालों में मोदी जी ने वो काम किया है, दुनिया में पहला दूसरे नंबर का आदमी है ये जो 3.5 घंटे कुल सोता है, देश के लिए इतना भाग रहा है, लेकिन नहीं दिख रहा है किसी को, मत देखो ये जो देश के लिए गलत हो रहा है, ये जो कांग्रेस भोखली है इसने कुछ नहीं किया, क्योंकि मैं अभी 4 सालों से नेवाड़ा NCR में जॉब कर रहा हूँ, NH-24 जो मेन हाईवे है 40 साल से उस पर काम चलने का काम चल रहा था, लेकिन काम नहीं, और मोदी सरकार ने इन 4 साल में वो इंडिया का 12-14 लाइन रोड बनने लग रहा है, जाके देख लो। मेरे हिसाब से तो ढंग से निभाए नहीं, क्योंकि अटैक ही क्यों हुआ, अगर आप जिम्मेदार होते तो वो अटैक ही नहीं होता, वो टेररिस्ट पहले ही मारे जाता, वो जो 300 किलो लेके बम घुसा था वो घुसा ही कैसे, ये इस पे अलर्ट कहाँ हुआ, वो 35 या 36 जो जवान मरे, देखिए बदला तो ले लिया हमने, लेकिन मरे तो भी हमारे भी, हमारा भी तो नुकसान हुआ, जवान भी तो मरे, वो नहीं मरते, वो टेररिस्ट पहले मारा जाता तब ज़्यादा अचीवमेंट होता। और ये कहना कि मोदी जी की सेना, ये बिल्कुल ही गलत है, ये बिल्कुल ही गलत है। मोदी जी की सेना नहीं है, मोदी जी बस एक प्रेसिडेंट हैं, वो अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करें तब जनता उन्हें वोट देगी, लेकिन मेरे हिसाब से तो अभी फुलफिल वो नहीं कर रहे हैं, मतलब 2 करोड़ जॉब वगैरह थी,
वो भी लोगों के पास नहीं है। बहुत से लोग अनएम्प्लॉयड है, सब सोशल मीडिया पे अपनी भड़ास निकाल रहे, कोई किसी पार्टी को सपोर्ट कर रहा है, कोई किसी पार्टी को सपोर्ट कर रहा है। नॉर्मली लोग जातिवाद को देख के सपोर्ट कर रहे हैं कि ये हिंदू धर्म को सपोर्ट ये है और ये मुस्लिम धर्म को है, लेकिन ये होना ही नहीं चाहिए ना यार भाई। इन हमें ग्रोथ करना है, हम 21st सेंचुरी में हमें डेवलपिंग नहीं डेवलप्ड कंट्री बनना है, और डेवलप्ड कंट्री बनने के लिए यार हम हिंदू मुस्लिम लड़ते रहेंगे, ऐसे थोड़ी होगा। हमें कुछ अच्छा करना होगा, कुछ एजुकेशन के बारे में सोचना होगा, ये हिंदू मुस्लिम से तो ऊपर उठना ही होगा। और ये इनके हर भाषण में यही होता है कि देखो ये हो गया और मोदी को दोगे तो ये देशभक्त कहलाओगे, ये वो, ऐसा सोचना बहुत गलत है। अटैक बोल के नहीं आता है कि चुनाव आ रहा तब आतंकवादियों का जब भी मन करता है तब भी अटैक कर सकते हैं। ऐसा जो विपक्ष लगा रहा है कि ये ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, गलत बात है, ये बहुत ज़्यादा गलत बात है। आपको भरोसा होना चाहिए हमारे सेना पे सर, और विपक्ष को भरोसा होना चाहिए हमारे सेना पे। सेना को लेकर के बयानबाजी जो है वो जोर पकड़ती जा रही है, जहाँ एक तरफ विपक्ष जो है वो एयर स्ट्राइक और बाकी जो सेना की कार्रवाइयाँ हैं उन्हें गलत बता रहा है, और मोदी सरकार को आरोप लगा रहा है कि वो चुनाव से मोटिवेटेड है। उसी तरीके से जो विपक्ष, जो मोदी सरकार के नेता हैं, वो सेना को, भारतीय सेना को जो है वो मोदी जी की सेना बता रहे हैं। आपका क्या सोचना है इन सब मुद्दों पे? सेना मोदी थोड़ी है, मोदी जी नहीं है, मोदी जी नहीं है सेना, सेना सबका सेना है, इंडिया सेना हो। मगर योगी आदित्यनाथ ने कुछ दिनों पहले एक सभा में कहा अपनी कि जो एयर स्ट्राइक की थी वो मोदी जी की सेना ने की थी, तो सेना इंडिया का है, भारत सेना है, मोदी जी सेना है, मोदी का सेना इंडिया का है, सेना भारत का नहीं है। विपक्ष जो आरोप लगा रहा है एयर स्ट्राइक और बाकी सारी सेना की कार्रवाइयों को लेकर के कि ये मोदी सरकार का चुनावी स्टंट है, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? मोदी सरकार काम सही कर रहे हैं, अभी उनका चुनाव स्टंट नहीं है, ये सब गलत है, ये सब गलत है। मोदी जी के खिलाफ बोलने का वैसा कुछ नहीं है, इंडिया के लिए उन्होंने इतना कुछ किया है, इसलिए विपक्षों को मतलब थोड़ा सा ये लगता है कि नहीं अब कुछ स्टैंड ले रहे हैं मोदी जी तो शायद कुछ इनमें होगा राज का बात, लेकिन ऐसा कुछ नहीं लगता है। मोदी जी ने बहुत कुछ किया है, आगे भी बहुत कुछ करेंगे, मोदी जी के लिए बहुत सपोर्ट है हम लोगों के लिए। राजनीति का है ये सब खेल, और कोई दिक्कत नहीं है, वैसा कोई मोदी जी का पर्सनल नहीं है। इंडिया के लिए सभी सेना एक समान है, इंडिया का सेना है तो मतलब सभी नागरिकों के लिए सेम समान है, वो कैसे कर सकते हैं? मोदी जी इंडिया के लिए अपने आप में एक बखूबी हैं, तो वो कभी ऐसा नहीं कर सकते। ये सब राजनीतिक खेल है और कुछ नहीं। वो चुनाव को लेकर के विपक्षों को तो है ही, उनको पता है कि मोदी जी आने वाले हैं, तो इसलिए उनको दिल में जो आएगा वो कहेंगे। सर विपक्ष ये भी आरोप लगाता है कि हिंदुत्व जो है उसका मोदी सरकार इस्तेमाल करती है और हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश कर रही है पूरे भारत को, एक हिंदू राष्ट्र। देखो हिंदू राष्ट्र हिंदुत्व ऐसा कुछ नहीं है कि मोदी सरकार उस पर काम कर रही है। मोदी सरकार जस्ट उसका एक होता है ना ओवरव्यू बना रखा है उसने, मतलब अपना एक इमेज बना रखा है। जैसे आप उसका वो देखोगे बीजेपी का कलर, वो भी सैफ्रॉन है, भगवा कलर है, तो कई पार्टियाँ मुसलमानों सपोर्ट करती हैं, जैसे आपस में सपोर्ट करते रहते हैं। पिस्ता सिर्फ भारत का नॉर्मल पब्लिक है, किसी को किसी से कुछ मतलब नहीं है कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है। वोट देने जाओ तो कोई ये नहीं बोलता कि बीजेपी वाले ये नहीं बोलते कि सिर्फ हिंदू मुझे वोट दे या फिर मुस्लिम मुझे वोट ना दे, करते सभी राजनीति हैं। पर ये बात ऐसा नहीं है कि ये बातें बोल के बस देश को तोड़ने वाला काम है कि इसकी राजनीति कर रहे हैं लोग, इसकी राजनीति कर रहे हैं। ये बताओ आज एम्स बन रहा है, हॉस्पिटल बन रहा है, तो क्या बीजेपी सरकार या कोई भी सरकार है वो सिर्फ क्या हिंदुओं को देगी उसमें जाने को बोलेगी? चाह तो सभी रहे। अभी गोरखपुर चले जाओ आप, मैं बेसिकली ईस्टर्न यूपी से ही हूँ, तो अभी गोरखपुर की तरफ एम्स बन रहा है, वो योगी आदित्यनाथ के द्वारा ही अप्रूव किया गया था। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि योगी आदित्यनाथ एक हिंदू नेता है तो वो सिर्फ हिंदुओं का उसमें वो करवाएंगे, इलाज करवाएंगे, सबका इलाज होगा उसमें। हिंदुत्व की जो हार्डकोर नेता हैं बीजेपी के, वो हिंदुत्व की बात करते हैं हर मंच से, और कहीं ना कहीं विपक्ष इस बात को लेकर के हमलावर रहता है, तो क्या मतलब जो आज आम जनता है उसे इस चुनाव में कुछ फ़र्क पड़ता है, आपको कुछ फ़र्क पड़ता है इस मुद्दे से? आज को बता दूं मैं, आज की जनता को ना हिंदू से मतलब है ना मुस्लिम से मतलब है, उसको सिर्फ मतलब है विकास से, उसको सिर्फ मतलब है विकास से, डेवलपमेंट। डेवलपमेंट अगर हो रहा है तो बहुत सही है, डेवलपमेंट नहीं हो रहा है तो कोई गवर्नमेंट का कोई साथ नहीं देने वाला, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ।
मगर योगी जी के अलग अलग मंचों से जो बयान है हिंदुत्व और सेना को लेकर के, वो क्या आपको लगता है, क्या वो ठीक है या गलत है? सर अब एज ए वोटर मैं ये सोचता हूँ कि मुझे मतलब नहीं है वो क्या बोल रहा है, मुझे मतलब अगर जो वो विकास कर रहा है, डेवलपमेंट कर रहा है, तो मेरा वोट जाएगा उसको, नहीं कर रहा है तो नहीं जाएगा, सीधी बात है। मेरे को सिर्फ आजकल आज के लोगों पब्लिक को यही सोचना चाहिए कौन क्या बोल रहा है, उससे मतलब ही मत रखो, सीधे मतलब रखो कि वो बंदा विकास कर रहा है कि नहीं। अगर जो मोदी जी विकास कर रहे हैं तो वो विकास कर रहा है तो उनका वोट जाएगा, अगर जो विकास नहीं कर रहे हैं, मुझे नहीं पता वो कांग्रेस को क्या बोल रहे हैं और क्या बोल रहे हैं मायावती को, हमें मतलब है वो विकास कर रहे हैं कि नहीं। तो पब्लिक को ज़्यादा फोकस करना चाहिए उन चीज़ों पर जिस पर वो सरकार हमने लाया है, सरकार को हमने क्यों बनाया है, डेवलपमेंट के लिए, ना कि ये सुनने के लिए कि वो क्या बोल रहा है। हमारा राय यही है कि भैया आप डेवलपमेंट करो, आप वोट हमारा आपको जाएगा, सीधी सी बात है। आजकल सारा फोकस डेवलपमेंट पे है, डेवलपमेंट जॉब ये दोगे आप हमें तो हमारा वोट आपको जाएगा। और पहले की तरह गांव में तो अभी भी होता है कि वोट खरीदे जाते हैं 1000-2000 रुपये में, अब लोग वहाँ के भी सुधर रहे हैं। अब जैसे आप गांव में जाओगे तो वहाँ टॉयलेट वॉयलेट सब बन गए, तो लोगों को पता चल रहा है कि सरकार काम कर रही है। तो सरकार को आप जितने भी कर लो, जिनको फ़ायदा हुआ है वो तो सरकार को ही वोट देंगे। आवास योजना का नाम सुना ही होगा आपने, और जिनकी आवास सरकार के द्वारा बनाई गई है, एक लाख बीस हज़ार रुपये सरकार की तरफ से मिले उनको, उनका घर बनाया गया है, तो वो इंसान तो उसी को वोट देगा ना, जिसके पास घर नहीं था, जिसको घर मिल गया सरकार के आने से, वो तो उसी को वोट देगा। तो अब दिल्ली में सरकार बैठी है और काम हो रहा है, देखो यूपी के छोटे से गांव में काम जा रहा है, तो सरकार लोग तो उन्हीं को वोट करेंगे। और ऐसा तो नहीं है कि आप लैपटॉप बाँट दो, साइकिल बाँट दो, उससे थोड़ी ज़िंदगी चलेगा, ज़िंदगी चलेगा आप जब स्कूल अच्छे बनाओगे। अब यूपी में जाकर देखो स्कूल धंधा है, एक यहाँ से यहाँ तक स्कूल बना दिया चौड़ा सा, रजिस्ट्रेशन करा दिया स्कूल का, स्कूल में ना टीचर हैं, ना टीचर को टीचर का स्पेलिंग आता है ना कुछ, तो उससे कुछ नहीं होने वाला, वो बेकार की चीज़ें हैं सारी। तो ये थी दिल्ली की जनता की आवाज़, हमने आज कोशिश की आप तक ये पहुँचाने की कि दिल्ली की जो जनता है वो राजनीतिक बयानबाजियों के बारे में क्या सोचती है, और ख़ासकर जो सेना को लेकर के बयानबाजियाँ हो रही हैं उस पर क्या सोचती है वो। कैमरा पर्सन संग्राम के साथ शिवम मिश्रा, वीके न्यूज़, दिल्ली।